बड़ी खबर, कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। झारखंड में रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए 7 फरवरी को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। उपचुनाव को लेकर 21 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदा है, जबकि अब तक 8 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भरा है। सोमवार को झारखंड पार्टी के प्रत्याशी समेत 4 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया, जबकि 7 जनवरी को कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो की ओर से नामांकन पत्र दाखिल करने की तैयारी थे। वहीं आज कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन दाखिल के मौके पर झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे समेत अन्य प्रमुख नेता मौजूद थे। सोमवार की शाम को ही कांग्रेस प्रभारी नई दिल्ली से रांची पहुंच चुके थे। कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो को यूपीए में शामिल घटक दल जेएमएम और आरजेडी का भी समर्थन मिल गया है। बजरंग महतो पूर्व कांग्रेस विधायक ममता देवी के पति है। इससे पहले आजसू पार्टी प्रत्याशी सुनीता चौधरी 4 फरवरी को ही नामांकन दाखिल कर चुकी है। आजसू पार्टी प्रत्याशी को बीजेपी ने भी समर्थन दिया है। उनके नामांकन के मौके पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।